आप देख रहे हैं ब्रेन प्लमिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ग्रेविटी सस्पेंशन स्ट्रक्चर। तो बनाए उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, बेल आइकॉन पर ऑल पे क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे सबसे पहले। तो उसके पहले अगर आप हमारी वीडियो पूरी लास्ट तक देखते हैं तो लास्ट में आपके एक्सप्रेशन और आपके मुँह से जो शब्द होंगे वो होने वाले हैं। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड मारो। हमारी वीडियो को शुरू करते हैं कि हम कैसे बनाएंगे ग्रेविटी सस्पेंशन स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, आज जो हम बनाने वाले हैं वो है ग्रेविटी एक्सपेंशन स्ट्रक्चर। तो उसके लिए जो हम चीज यूज करेंगे वो है वुडन पीस। तो ये हमारा वुडन, हमारी जो वुड्स हैं उन्हें असेंबल करना है कुछ इस तरीके से। ये वाली 20 सेंटीमीटर्स की हैं और जो बीच में लगेंगी ये है 8 सेंटीमीटर की, और ऐसे ही लगेगी एक परपेंडिकुलर जो कि 20 सेंटीमीटर की है और एक और है 8 सेंटीमीटर की। तो हमें इसे इस तरीके से पेस्ट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। तो हम इसे पेस्ट कर लेते हैं और नेल्स भी हैं हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब हमें इसके ऊपर की बॉडी बनानी है, तो उसके इस तरह पेस्ट करना है। तो पहले हम इसे अलग से पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर इस तरह, वो भी हमारी फेविकॉल से ही हम पेस्ट करने वाले हैं। हमने हमारा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लिया है। इसके मोर स्ट्रेंथ के लिए हमने यहाँ पर एक नेल भी लगाई है। अब हमें इसको यहाँ पर फिक्स करना है कुछ इस तरीके से, तो चलिए वो भी हम फिक्स कर लेते हैं। जैसा हम देख रहे हैं हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हमें अब ऐसा का ऐसा ही एक और बनाना है, तो भी देख लेते हैं। और ये हमारे दोनों स्ट्रक्चर तैयार हैं। अब हमें इनको कुछ इस तरह से स्टिक करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दो तरह के थ्रेड हैं, एक है ये और एक है ये। आपके पास जो अवेलेबल हो वो कर सकते हैं। हम यूज़ करेंगे इस वाले थ्रेड का क्योंकि ये बहुत ही पतला है तो, और ये दिखेगा नहीं दूर से किसी व्यक्ति को, क्योंकि हम जब इसे इस तरह से लगाएंगे तो ये हैंग करता हुआ दिखेगा हवा में, तो इसलिए हम पतले वाले थ्रेड का यूज़ करने वाले हैं। और इसे के लिए हमें कुछ होल्स करने पड़ेंगे जिसके लिए हम मार्किंग ले लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें हमें मार्किंग करनी है, एक होल होगा यहाँ पर और दूसरा कुछ इस जगह, ऐसे ही पूरे ऊपर की तरफ भी होल होते रहेंगे। इस वाले में पीछे और इधर आगे की तरफ होल होंगे। तो यहाँ हमने होल कर लिए हैं, आई होप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक जो है उसमें हमने आगे की तरफ होल करे हैं और दूसरे वाले में हमने पीछे की तरफ होल करे हैं। तो ये होल हमने वही ड्रिल मशीन से करे थे जो हमने पिछली वीडियो में बनाया, आई बटन पे आ रहे हैं आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे हमें फिक्स करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कुछ टूथपिक्स, ये रही हैं टूथपिक्स। इन टूथपिक का यूज़ करेंगे हम और थ्रेड के साथ इन्हें होल में डाल देंगे ताकि ये फिक्स रहें, क्योंकि हमें इन्हें हैंग करता हुआ बनाना है, निकले ना हमारी थ्रेड। तो अब हम थ्रेड का कनेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है, हमने इसकी थ्रेडिंग कर दी है। तो लेट्स ट्राई।